अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लाजवाब चिकन चीज़ रोल, तो चलिए बनाते हैं। चिकन चीज़ कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का ब्रेस्ट पीस और साथ में ये पाउडर मसाले हैं। तो एक छोटा चमचा मैंने ली है लाल मिर्च कुटी हुई, आधा छोटा चमचा काली मिर्च कुटी हुई और ये थोड़ा सा मैंने लिया है मिक्स हर्ब्स और आधा छोटा चमचा नमक यानी सॉल्ट, उसके साथ एक छोटा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है दही। दही मैंने लिए हैं 2 चमचे, 2 टेबल स्पून ये हमारा दही है और साथ में है 1 चमचा नींबू का रस। और ये देखिए, ये मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। चीज़ की इस तरह से हम स्लाइस कट कर लेंगे, ये देखिए, और इसके स्ट्रिप्स काट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ से ये जो रोल बनते हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मोज़रेला चीज़ बड़ी ही आसानी से अंदर मेल्ट हो जाती है और खाने में बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो सबसे पहले अब हम इसके देखिए स्लाइस कट करने हैं। तो अगर आप चाहें तो शॉपकीपर से कह के आप डायरेक्ट कटवा के ला सकते हैं चिकन के इस तरह के स्लाइस, या आप घर में भी काट सकते हैं आसानी से। तो देखिए, मैं घर में काट रही हूँ, चिकन का ब्रेस्ट पीस है ये। इसके बस इस तरह से हमें झटपट से पतले से पीस करने, ज़्यादा पतले भी नहीं, लेकिन बस इस तरह के हम पीसेस कट कर लेंगे। कुछ पीसेस अगर छोटे भी कट जाए तो कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये एक चिकन का पीस मैंने लिया और इसे हम हैमर से हल्का हल्का मारेंगे, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के हैमर ना हो तो आप कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हो या छुरी के पीछे का जो बेटा होता है उससे भी आप इस तरह कूट सकते हो। तो ये देखिए, चिकन का स्लाइस जो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है। इस तरह करने से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, चिकन बिल्कुल नरम हो जाता है, बहुत आसानी से गल जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये हमारा इस तरह का स्लाइस तैयार हो गया। मैं कह चुकी हूँ, आप छुरी के पीछे का जो बेटा होता है उससे पीट सकते हैं इस तरह से, या फिर बेलन से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आप नाइफ़ ले लें और नाइफ़ के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हल्के हल्के से आप इस तरह कर लें। तो ये देखिए, बहुत आसानी से इस तरह भी करने से ये स्लाइस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये कबाब बहुत ही आसानी से बनते हैं, आप इसे चिकन चीज़ रोल भी कह सकते हैं, या अक्सर इसे चिकन दिल बाहर कबाब भी कहा जाता है। तो अब ये बोल में मैंने डाले 2 चमचे दही और दही के साथ नमक, आधा छोटा चमचा काली मिर्ची कुटी हुई, मिक्स हब 1/2 छोटा चम्मच और ये रही हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये हुई कुटी हुई लाल मिर्चें, अब चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस। तमाम चीज़ें मैंने डाल ली, अब इसको बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जो चिकन के स्लाइसेस हमने कट किए हैं, बस इसमें इस बैटर में उन्हें डिप करके बस निकाल लेना है हल्का सा, या फिर आप इस मसाले को उन स्लाइस के ऊपर भी लगा सकते हो हाथ से। तो ये देखिए, बैटर तैयार है, ये चिकन का स्लाइस इस तरह मैंने बस डाला, अलट पलट करेंगे ताकि थोड़ा सा ये बैटर इस पर चिपक जाए। और ये देखिए, दरमियान में मैंने रख दी, चिकन के दरमियान मैंने रखी चीज़ के स्ट्रिप्स, मोज़रेला चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, इस तरह इसे रोल कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से बन गया, ये कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनता है। बस इस तरह के झटपट से हम पूरे तैयार कर लेंगे। मैं एक और आपको बना के बता देती हूँ। इस चिकन का स्लाइस मैंने रखा, दरमियान में रखी चीज़ मोज़रेला चीज़, और बस इसको इस तरह पलट लेंगे। अगर कहीं से ये टूट भी जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि अभी इसे हम कोट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसके रोल बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये रोल बन गए। एक्स्ट्रा अगर साइड में हो तो आप उसे कट कर सकते हैं। अब ये मैंने लिया है प्लेन मैदा, सादा मैदा है। इस मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1/2 छोटा चम्मच, ताकि ये फीका ना लगे, तलने के बाद इसकी कोटिंग होगी तो ये फीका ना लगे, तो इसलिए मैंने इसमें डाली नमक और 1/2 छोटा चम्मच ही मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये रही काले मिर्च कुटी हुई, ये भी 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया, और
इसको डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से। तो ये कोटिंग जो है इसकी नमकीन भी रहेगी और स्पाइसी भी रहेगी। तो ये देखिए, ये कोटिंग हमारी तैयार है। अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ पानी, और पानी मिला के इसका हमें बैटर तैयार करना है। तो ये देखिए, तकरीबन आधा कप पानी इसमें लग जाएगा। ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा बैटर आप तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा पतला ना करें, बस इस तरह का बैटर रखें, और ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो कोट करने मुश्किल होगी। अब ये मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब और ये मैदे का मिक्सचर। तो देखिए, मैदे के मिक्सचर में मैंने रोल को डिप किया, और ये ब्रेड क्रम्ब में हम इसे सूखे हाथ से रोल कर लेंगे। सूखे हाथ का इस्तेमाल करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब हमारे हाथों पर ना चिपक जाए, और जितनी ज़रूरत होगी उतना हम ब्रेड क्रम्ब लेते जाएंगे, क्योंकि ये हाथ लगने से ख़राब हो जाता है। तो इस तरह का हम इसे कोट कर लेंगे, इस तरह के तमाम रोल बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इन रोल को आप फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने तेल गर्म कर लिया है, और गर्म तेल में इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अलट पलट करके अच्छे से तल लेंगे। अगर आपको फ्रीज़ करना है तो आप इसे प्लेट में रख कर तकरीबन 2 घंटे खुला फ्रीज़र में रख दें, और जब ये हार्ड हो जाए तो आप उसे एयर टाइट या ज़िपलॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तेल हमारा काफ़ी गर्म। अब इसे हमें गोल्डन रंग आने तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। देखा आपने, इसकी चीज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैदे की बहुत ही अच्छी कोटिंग की है। तो ये देखिए, और मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो, जब दिल चाहे जब निकाल के इसे फ्राई कर सकते हो। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब चिकन चीज़ रोल। अब इसे हम आपको कट करके भी बताते हैं। पहले निकाल लें, और थोड़ा सा हल्का सा ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, अब इसे हम कट करते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे ये चिकन चीज़ रोल तैयार हुए हैं, और चीज़ का तो क्या कहना। तो ये देखिए, वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब चिकन चीज़ रोल। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, साथ में अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।